नमस्कार दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो दिन चले रास्ते में जाते हुए कुत्तों को पत्थर मार देते हैं, कभी उन पर तेल छिड़क देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज आपको कुछ ऐसे देसी कुत्तों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप सही वेल ट्रेंड करते हैं वो अपना वफादारी बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। इनको अपने ज़िंदगी के कुछ संघर्ष में कुछ खाने को मिल जाए, यही इनको काफ़ी रहता है। ये कुछ कुछ डॉगी ऐसे हैं जिनको मैं ट्रेन किया हूँ। हमारे घर में जितनी भी मुर्गियाँ हैं उनको कैसे वो बचा के रखते हैं। छू 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 मैं इसे इस तरफ में बुलाऊंगा और देखेंगे किस तरह से ये दौड़ते हुए चलेंगे। यही बेनिफिट होता है कि बाहरी कुत्ते को अगर आप ट्रेन करते हैं तो। लालू लालू सबस सबस वेरी गुड सबस 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 लालू जंगल के अंदर तरफ है वो, क्योंकि उनको उस तरफ से जाना है इसलिए हम उसके आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो रास्ता उनका रुक जाएगा, वो लोग इधर उधर चले जाएंगे। क्योंकि ये देसी हैं तो लोग चले गए, हाँ लोग चले गए हैं। आजा कालू, चलो चल। देखिए इतने जो जगह आप देख रहे हैं वो सब पत्थर वाले जगह है। इतने सारे एरिया को कुत्ते लोग कुदक के मुर्गियों को बचाने के लिए उधर गए थे उस जंगल के अंदर। अब हम वहीं पहुंच गए जहां से हम लोग गए थे। इसने खाया भी नहीं लेकिन फिर भी ये अपना वफादारी निभाने में देरी नहीं करता है। काफी सालों से हमारे मुर्गियों को बचाते आ रहे हैं। इसी धूल मिट्टी में वो रेंगते रहता है, सोते रहता है इतनी तपती धूप में। अभी मई का महीना है जहाँ 43-44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन लोग ऐसे ही बाहर में घूमते रहते हैं। ये कड़कनाथ मुर्गी, दोस्तों नेचर के साथ रहोगे तो आपके सब जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे भी आपके साथ बात करने लगेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी मैं कुछ मुर्गियों को बुलाऊंगा और कैसे आ जाएंगे। आ 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 बड़े मुर्गी लोग आ गए तो छोटे लोग भाग रहे हैं डर के मारे। देखिए यही तीन मुर्गियों को हमें लेने गया था।